हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज हम यहाँ पे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में निकल के आई है, लेकिन ये न्यूज़ पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी। हाल में इसने कुछ ज़्यादा तूल पकड़ लिया है, मतलब इसमें ये एक एंड ऑफ द प्रोसेस जिसे हम बात करें उस हिसाब तक ये न्यूज़ जा चुकी है कि मुकेश अंबानी फाइनली अपने जियो ब्रॉडबैंड को और आगे ले जाने के लिए और घर घर तक पहुंचाने के लिए दो जो ब्रॉडबैंड कंपनीज है उसमें अपना स्टेक खरीदने वाली है। उसमें से एक बात की जाए तो पहली जो कंपनी है वो है हाथवे केबल एंड डेटाकॉम, जो आप यहां पे देख सकते हैं, जो शेयर आज 30.35 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें पहली कंपनी ये है हाथवे, जिसमें मुकेश अंबानी अपने जियो ब्रॉड फाइबर ऑप्टिक को बहुत ही अच्छे से लॉन्च करने के लिए इसमें स्टेक खरीद सकते हैं। वो कम से कम 25% की स्टेक इसमें खरीद सकते हैं, कम से कम 25% की स्टेक मैं बता रहा हूँ। और चलिए वीडियो आगे हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो लाइन अप है जो आपको अपनी शेयर मार्केट ट्रेडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि हाथवे केबल एंड डेटाकॉम में मुकेश अंबानी अपने जियो फाइबर को और आगे ले जाने के लिए 25% से भी ज़्यादा की स्टेक खरीद सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये शेयर आज 30.35 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैंने एक हफ्ते पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि मुकेश अंबानी इसमें खरीद सकते हैं, और उस टाइम पर यह शेयर 25 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर शायद आपने उसको खरीदा होता तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसमें आपको क्या करना चाहिए। हाल फिलहाल में इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुका है, आज ही देखा जाए तो आज ये तकरीबन 5% अप हो चुका है, अपर सर्कुलेशन लगा दी है। और अगर हम यहाँ पे 1 वीक का डेटा निकालने जाए तो 1 वीक में आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 21% तक जंप कर चुका है। मतलब एक हफ्ते पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तब ये 25 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब ये हर दिन जंप पे जंप लगाया जा रहा है, अपर सर्किट इसकी लगती जा रही है। और अगर हम 1 मंथ का डेटा निकालें तो 1 मंथ में भी ये 12% तक अप रह चुका है। मतलब एक महीने पहले ये 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब ये 30 रुपये पे आ चुका है। और 1 ईयर की अगर हम बात की जाए तो 1 साल का डेटा में आप देखेंगे कि ये सिर्फ 2% तक अप रहा है। मतलब एक वक्त था जब ये 45-46 रुपये तक भी ट्रेड कर रहा था, बाद में इसमें गिरावट स्टार्ट हुई, लेकिन अब ये धीरे धीरे पिक होने की कोशिश कर रहा है। और हम 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, तकरीबन 29% तक ये शेयर गिर चुका है। और 10 साल का अगर हम यहाँ पर डेटा निकालने जा रहे हैं तो 10 साल का जो डेटा निकल के आ रहा है वो आप देखेंगे कि फिलहाल कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2010 के बाद से इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। और हम देखने जाए तो इसका मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी है, तकरीबन 2600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 66 लाख वॉल्यूम और शेयर आज ट्रेड हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी भी इसमें थोड़ा सा दम बाकी है। डेफिनेटली आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो कि चलो ये डील हो जाने के बाद ऑफिशियली जब वो शेयर खरीद लेंगे उसके बाद डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन जो हम कह रहे थे कि अगर आप लेकिन आप ये मान के चल रहे हो कि आपको ये 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में शेयर बेच के निकल जाना है, तो मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ा आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली हाथवे आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि अगर मुकेश अंबानी अगर इसमें स्टेक खरीदते हैं तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा अच्छा चॉइस आपके लिए साबित हो सकता है। जब वो जियो ब्रॉड बैंड लॉन्च हो जाएगा तब आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर ये साबित हो सकता है। तो ये पहली कंपनी थी जिसमें मुकेश अंबानी अपना पैसा लगा रहे हैं, और एक दूसरी कंपनी भी है जिसमें वो अपनी स्टेक खरीद सकते हैं सेम हाथवे के जैसे ही, 25% से भी ज़्यादा स्टेक वो खरीदेंगे। ऐसी दूसरी भी एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है डेन नेटवर्क्स। और देखा जाए तो ये शेयर तकरीबन आज 74.70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इसमें 50 पैसे का अपर सर्किट लगा है, लेकिन ये शेयर अगर हम देखा जाए तो ये 80 रुपये पे ओपन हुआ था आज।
आज 80 रुपये पे ओपन हुआ था, लेकिन बाद में ये गिरा भी है, 73 रुपये पे गिरा है, लेकिन बाद में थोड़ा सा मार्केट बना के ये ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ है। और देखा जाए तो 1 वीक अगर इसका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो 1 वीक के परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि 15% तक ये अप है। इन शॉर्ट बात यह है कि ये न्यूज़ उतनी पुरानी नहीं थी कि मुकेश अंबानी इसमें, लेकिन न्यूज़ पहले ये थी कि मुकेश अंबानी हाथवे और डेन नेटवर्क्स में अपना शेयर खरीद अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, लेकिन कितना परसेंट इन्वेस्ट करेंगे, क्या इन्वेस्ट करेंगे, इसके बारे में कोई न्यूज़ थी नहीं थी। उसके बारे में न्यूज़ में हाल फिलहाल आई है कि वो तकरीबन इसमें क्या कहते हैं कि वो तकरीबन इसमें तकरीबन 25% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। वो न्यूज़ अभी निकल के आई है। तो जैसे ये पहले सर्कुलेट हो रहा था कि हिस्सेदारी खरीदेंगे, तभी से इसमें इनके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि एक हफ्ते पहले आप देखेंगे कि ये शेयर तकरीबन 65 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, मतलब एक ही हफ्ते में 10 रुपये का इसने जंप लगाया है। और अगर हम 1 मंथ की अगर बात करने जाए तो 1 महीने में ये 24% तक अप रहा है। मतलब एक वक्त ऐसा भी था जब ये शेयर 50 रुपये के ऊपर लौट रहा था, मतलब 15 दिन पहले ही, 2 हफ्ते पहले ही ये शेयर 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाद में इसने जैसे ये न्यूज़ सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ, इसने अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाई है और ये फिलहाल 75 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम 1 ईयर के बारे में देखें तो ये 12% तक डाउन रहा है। 3 साल का अगर हम डेटा यहाँ पे निकालने जाए तो 3 साल में ये 35% से भी ज़्यादा डाउन रहा है। मतलब 3 साल पहले अगर देखा जाए तो ये 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, उससे ज़्यादा। और अगर हम 10 साल का डेटा अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 10 साल का डेटा जो निकल के आ रहा है वो भी बिल्कुल हाथवे की तरह ही है, क्योंकि ये कंपनी भी इतनी पुरानी नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा था 2010 में ये शेयर 230 240 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो डेफिनेटली अगर ये जैसे ये न्यूज़ ऑफिशियली हो जाएगी, जब वो अपने ऑफिशियली स्टेक खरीद लेंगे, ऐसी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो डेफिनेटली इसके शेयर बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन मैं फिलहाल भी वैसे ही कहूंगा जैसे मैंने हाथवे के लिए कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो डेफिनेटली ये शेयर आपके लिए बाइंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो कि आप कुछ दिनों में इसको बेच के निकल जाओगे तो डेफिनेटली वो मौका शायद कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब आप ये शेयर जो आपने अगर 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले खरीदा होता तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन अभी भी फायदा आपको हो सकता है, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना पहले हो सकता था। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें जा रहे हो तो ही आपके लिए फिलहाल ये बेनिफिशियल है, शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। उसके लिए और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको फ़ायदा करा सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। कमेंट मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।